जगह है जहाँ पे हम रात को रास्ता भूल गए थे और हमने जो स्टे किया था वो इस जगह पे किया था। लेक पे जाते वक्त हमने अपनी एक बाइक इधर नीचे ना पत्थरों के बने घर थे उसमें लगा दी है। वापसी पे हम हो गए रात, ट्रैक का भी नहीं पता चल रहा और वो घर भी नहीं नज़र आ रहे जहाँ पे हमने बाइक लगाई थी। बस तो आ गए, अंदाज़ा हो रहा है लेकिन अंधेरा इतना एकदम से बढ़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। प्लान ये था कि अंधेरा होने से पहले हमने वो बाइक अपनी लेनी है लेकिन नहीं ले सके। मेरे दोस्त बाकी जो हैं ये नाला पीछे से क्रॉस कर रहे हैं, एक बाइक पीछे है और मैंने क्रॉस कर लिया, अब उसकी बारी है। टाइम 8:15 हो चुके हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। एक जगह पे हम स्टक हो गए हैं और सामने से कोई हमें लाइट से इशारा दे रहा है, तो मैं और एक और लड़का हम लोग उस इशारे की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब कोई अल्लाह का बंदा हेल्प कर दे हमारी, कोई समझ नहीं आ रही किस तरफ जाएं। थक गए हैं, सुबह का कुछ नहीं खाया। कहीं से कोई भी आ सकता है, वो पता नहीं कितनी दूर से वो लाइट वाला हमें इशारे दे रहा है। हम चलते जा रहे हैं उसकी तरफ। रात हम इस झोंपड़ी में गुजार रहे हैं, झोंपड़ी टाइप चीज़ है जिसमें गुजार रहे हैं, कि हम लोग ऊपर ज़्यादा सामान लेके नहीं गए थे, हमने नीचे पहुंच जाना था हर हाल में, लेकिन लेट हो गए क्योंकि रास्ता बोलते रहे। अब इसको कवर कर रहा है दरवाजे को और बाहर का जो सीन है वो फुल टाइम बादल आए हैं, बिजली चमक रही है और पता नहीं क्या होने वाला अब हमारे साथ आगे। समझ कुछ नहीं आ रही क्या करें, अल्लाह ही है जो हमारी मदद कर दे किसी तरह से, बारिश ना हो बस, क्योंकि बिजली बहुत तेजी से चमक रही है और बादल बहुत ज्यादा आए हुए हैं बाहर और हम लोग इस तरह से लेटे हुए हैं। ये बैठा हुआ है वो काम कर रहा है। यहाँ पे सीन ये है, मैंने नीचे ऊपर चक्कर बहुत ज़्यादा लगाए हैं, मेरी कमर बहुत ज़्यादा पेन निकली हुई है और बाकी लोग गीले थे, कुछ बूट शूज़ वगैरह उनके, जिनकी वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बस दुआ है कि अल्लाह हमें खैर खैरियत से इस मुश्किल गली से निकाल दे। इसकी जल्दी बुझेगी नहीं। मुताहर साहब की ताफरात ने कितने फंसे हो? बस जी कुछ पता नहीं कहाँ फंसे हुए, ना आगे का पता ना पीछे का पता, ना पानी ना खाना जल्दी ना बिस्तर। बिस्तर दिखाओ लोगों को अपना हमारा तैयार करता बिस्तर। अच्छा ये देखिए, ये भाई ने सनाना तैयार किया हुआ, इधर चेक करो, ये भाई का सनाना है, वो मेरा सनाना। सूरत हाल बताएं ना, इधर फंसे कैसे हुए हैं? रात के 2:30 बजे हुए हैं और ये एक हटफा जो लोगों के मकामी पत्थरों के घर होते हैं यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। ठीक है जी, बड़ी लकड़ी को बीच में ये जहेब आग जलाने की कोशिश कर रहा है। ये असल में दरवाज़ा जो हमने फुल ईंटों के साथ बंद कर दिया हुआ, ये इनका इधर पीछे किचन एरिया है, यहाँ पे तकरीबन 8 बजे पहुंचे हैं तो आगे अंधेरा हो गया और ट्रैक नजर ही ना। अच्छी बात है ये तो इस तरह फैलते रहोगे। तो पहले बादल गरज रहे थे बाहर, तो हम दुआएं मांग रहे थे कि बारिश ना हो और अभी जो है हवा बाहर जो गुजर रही है चल रही है जो महसूस हो रही है इधर अंदर बैठे। हमने अपने सारे स्लीपिंग बैग कैंप सब कुछ जो है पीछे छोड़ा हुआ है कि हमने जी वापस आना आज, लेकिन किसको पता था कि हम फंस जाएंगे इधर।
ये वो जगह है जहाँ पे हम रात को रास्ता भूल गए थे और हमने जो स्टे किया था वो इस जगह पे किया था। ये एक पत्थर का घर बना हुआ था छोटा सा और ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। बस गुजारा हो गया था, अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि हम इसके पास पहुंच गए और ये रास्ता है सिर्फ अंदर जाने का, एक छोटा सा रास्ता अंदर जाने का। और जो अंदर से दिखाऊं ये सीन है अंदर का, शायद नजर आ रहा हो, शायद ना आ रहा हो, ये सीन है अंदर एक में उसके अंदर एक कमरा। हम लोग इसमें एंटर हुए थे और अब इसी तरह से हम इसमें से बाहर होने, रास्ता बहुत छोटा सा है तो रास्ता छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी बाहर आते हुए। आ जा थैंक दे ना। इससे हमें प्रॉपरली तो नहीं ऐसा था कि बाहर की हवा अंदर ना आए, क्योंकि सिर्फ ये दीवार इनकी कवर थी मिट्टी से या गोबर से इस साइड से, और बाकी जो चीज़ें थी वहाँ से रोशनी वगैरह आसानी से जा सकती थी इन ऊपर ऊपर जगह से, हवा बहुत ज़्यादा अंदर एंटर हो रही थी, लेकिन बाहर की नस्बत अंदर रहना हमारा ज़्यादा सेफ था। और फिर आग लगाने की कोशिश करते करते हमने अपना दिन स्पेंड किया। ये हमारी दो बाइक्स, अब हम यहाँ से निकलेंगे और फाइनल जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे हमने पहला सामान अपना छोड़ा था, वहाँ से सामान को पिक करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर आगे अपने सफ़र को स्टार्ट करेंगे।